हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलास किचन कॉर्नर। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिन पहले मैंने आप सभी के साथ अरबी के चिप्स की रेसिपी शेयर की थी। अगर किसी वजह से वो वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो एंड स्क्रीन में उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी रेसिपी लिंक को आपके साथ शेयर कर दूंगी। और आज मैं हाजिर हूँ एक और अरबी की रेसिपी लेकर। ये भी एक स्नैक रेसिपी है, इसे बनाना भी बेहद आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अरबी के कटलेट्स या अरबी के कबाब की रेसिपी। तो चलिए, इससे पहले कि ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसे ऑल कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं अरबी के कबाब या फिर अरबी के कटलेट। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम अरबी। इसको मैंने अच्छे से धोकर तैयार कर लिया है और अब हम इसे प्रेशर कुकर में उबालेंगे। आपने बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, एक सीटी आने तक इसको हम उबाल लेंगे। ये अच्छे से पक जाने चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। तो देखिए, मैंने इन्हें अच्छे से उबाल कर तैयार कर लिया है। अब हम इनके छिलकों को उतार लेंगे और इनको एक बोल में हम इकट्ठा करते जाएंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बिगनर्स भी जो है इसे आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अरबी को छीलने के बाद अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 उबले हुए आलू, इनके भी हम छिलकों को उतार कर तैयार कर लेंगे। तो व्रत के लिए भी एक बहुत ही आइडियल रेसिपी है। अगर आप इसको व्रत के लिए बना रहे हैं तो नमक की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, बाकी सारे स्टेप्स सेम रहेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अरबी और आलू दोनों को छील कर तैयार कर लिया है। हम आलू को ग्रेटर की मदद से कद्दूकस कर लेंगे। इससे क्या होता है कि कोई लंप नहीं रहता है और अच्छे से ये मैश हो जाते हैं। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो उससे भी आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसको मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं। और अब मैं ले लूँगी अरबी वाला बोल और इसको हम पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। अरबी काफ़ी चिकनी होती है तो इसको ग्रेटर से ग्रेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, इसको भी मैंने अच्छे से मसल लिया है, ये काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है, इसमें कोई गांठ ना रहे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम इसको भी मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आलू मिलाने की वजह से इसकी चिकनाहट थोड़ी कम हो जाएगी और हमें कबाब बनाने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और साथ में हम डाल देंगे 4 हरी मिर्च जिसको कि मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया था। मिर्च को आप अपनी टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में मैं डाल दूंगी नमक, अपनी टेस्ट के हिसाब से आप इसे डालें, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी, इसको हथेलियों के बीच में क्रश करते हुए आपने ऐड करना है। और आखिर में बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन। बेसन को आपने तवे पर एकदम हल्की आंच पर तब तक भूनना है जब तक कि उसमें से अच्छे से खुशबू ना आने लगे और उसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए, तब आपने इसको इस मिक्सचर में ऐड कर देना है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिला लेंगे और एक डो शेप में हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा पानी, अपने हथेलियों में आपने थोड़ा सा पानी लगाना है और इस मिक्सचर के करीब 2 बड़े चम्मच आपने लेने हैं और उसको कबाब की शेप में आपने तैयार कर लेना है। तो हथेलियों के बीच में इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम इसको कबाब की शेप में तैयार कर लेंगे और इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए कितनी आसान ये रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है और इसका स्वाद एकदम बढ़िया, बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर अपनी किसी पार्टी में अपने मेहमानों को भी बनाकर ये सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारे कबाब्स को बनाकर तैयार कर लिया है और अब मैंने फ्रिज में करीब 1 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि ठंडे होने के बाद ये और अच्छे से सेट हो जाते हैं और फिर फ्राई करते वक्त ये फटते नहीं है। और 1 घंटे के बाद मैंने कबाब को फ्रिज से निकाल लिया है और यहाँ हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इन तैयार किए हुए कबाब को गर्म तेल में छोड़ते जाएंगे, थोड़े थोड़े गैप में आपने इनको रखना है। और कबाब को तेल में डालने के बाद हम फ्लेम को एकदम लो पर कर देंगे और एकदम धीमी आंच में अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में आप इसे पलटते रहें ताकि ये इवनली हर तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। आपने इसको इमीडिएटली नहीं पलटना है, जब एक साइड थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाए तभी आप उसको पलटें। और इसी तरह से हम इसको बीच बीच में पलटते हुए हर तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, कबाब अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो चुके हैं, इन्हें हम नैपकिन पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नैपकिन पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और इसी तरह से हम बाकी बचे हुए कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे।
तो अरबी के चटपटे और मजेदार से कबाब आपकी शाम की चाय या फिर पार्टी के लिए बहुत ही बढ़िया स्नैक ऑप्शन है। बनाना इसको बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही बढ़िया होते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्प होते हैं और अंदर से एकदम से मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो रहा है। हम इसे एकदम धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। बच्चे अक्सर अरबी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उन्हें ये अरबी के कबाब बनाकर खिलाएं, या फिर जो पहले मैंने आपके साथ अरबी के चिप्स की रेसिपी शेयर की थी, आप वो भी उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। दोनों रेसिपीज बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हैं और यकीन मानिए बच्चों को ये दोनों रेसिपीज बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो देखिए ये हमारे अरबी के मज़ेदार से कटलेट्स या फिर कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें ऐसे ही हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आज मैं इन्हें पुदीने की चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप चाहे तो अपनी मनपसंद सॉस या चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। एकदम गर्मा गर्म आप इन्हें सर्व कीजिए। देखिए दिखने में कितने शानदार लग रहे हैं और कितनी आसानी से हमने इन्हें बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये हमारे चटपटे और मज़ेदार से अरबी के कटलेट सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में बनाकर दे सकते हैं, या फिर पार्टी में अपने मेहमानों को भी बनाकर इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। मुझे तो ये कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये हेल्दी भी होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया ये लग रहे हैं और मुझे ये पुदीने की चटनी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं टेस्ट कर लेती हूँ इन्हें और बताती हूँ फिर कि ये कैसे बनकर तैयार हुए हैं। दोस्तों ये कबाब बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। बाहर से बहुत क्रिस्प हैं और अंदर से एकदम से मुंह में घुल जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया इनका फ्लेवर है। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि अरबी के ये कबाब आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आज ये अरबी के कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और एक बार मेरे कहने पर अरबी के ये कबाब बनाकर घर में ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा यकीन है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।